बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक मसूरी का ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र लेकर आई हूँ। फैंसी ट्राउज़र लेके आई हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी आपको। इसके लिए 8 इंचेस का इसका पौचे की वेथ है हमने जो ली है, और जो हमने इसके साथ जो सिल्वर यानी कि सॉरी गोल्डन कलर का नेट का पीस लिया है वो भी 8 इंचेस ही रखा है जितना का ट्राउज़र रखा है। और उसकी इसकी विड्थ 4 इंचेस है जो कि मैं आपको दिखा दी है। अब मैं आपको फ्रिल जो इसके नीचे लगानी है, हम नेट की बनी हुई वो फ्रिल भी 3 इंचेस ली है, यानी कि 6 इंचेस हमने लेकर उसे फोल्ड किया 2 लेयर्स में, और तो ये 3 इंचेस में बन गई है। हमने ट्राउज़र के साथ का पीस दिया है जो कि 2.5 इंचेस का है, और ये हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है। एक हमने शमोसलव का पीस लिए हैं जो कि हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है। उसकी हमने स्ट्रिप्स सी हैं, और स्ट्रिप्स हमने 4-4 इंचेस की लिए हैं, जितना कि हमने पहले नेट का पीस लिया था उतना ही। और ये मैंने लेस में से फ्लावर्स कटिंग किए हैं और उनको जला लिया था अच्छे से ताकि इसके रेशे ना निकले। ये लेफ्ट ओवर जो पीसेस पड़े होते हैं उनमें से ये लेस का एम्ब्रॉयडर्ड जो फ्लावर निकाले हैं। ये 2 इंचेस का मैंने स्क्वायर पीस लिया था शमोसलेस का, जिसको मैंने स्मोसी स्टाइल में सिलाई कर लें या इस्त्री कर लें वो आपकी मर्जी है। ये देखें, ये मैंने इस तरह शमो स्लिप के पीस को लेके मैंने दोनों से तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। स्ट्रिप्स को मैंने उल्टा करके सिलाई नहीं किया, इस तरह स्ट्रिप सिलाई कर ली क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग में सूट पर सिलाई मारनी है। तो ये है, ये देखिए 3 इंचेस का ये पीस है जिसको मैं देखें फोक के साथ चुनट दे रही हूँ, बराबर के इक्वल चुनट दे रही हूँ। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने कुछ फोक के साथ दूंगी और कुछ मैं हाथ के साथ दूंगी। समझाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ, मैंने ज़्यादातर मोस्टली अंदाजे से हाथ से ही कर लिए थे और सिलाई लगा लूँगी इनको। अब ये देखिए स्ट्रिप्स मैंने 4 इंचेस की सिलाई कर ली है। मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई बाहर से ही मैंने मार ली इसको। अब इनके ऊपर मैंने इस तरह सिलाई मारनी है दोनों तरफ से सिंपल, इधर भी। और ये मैंने 2.5-2.5 इंचेस के फासले पर लगाई हैं। आप स्ट्रिप्स कम ज़्यादा फासला अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, बट मैंने 2.5-2.5 इंचेस की लगाई क्योंकि मेरे पास जो फ्लावर्स है मैंने उसके हिसाब से किया। फ्लावर आपके पास छोटे हैं आप छोटे कर लें इनको, ब्लॉक्स को। अगर बड़े हैं तो आप बड़े कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। फ्लावर्स को आप टिकाने के लिए ग्लू स्टिक लगा सकते हैं या पिंस लगा लें। लगाने के बाद इसके इर्द गिर्द सिलाई कर लें या सुई से लगा लें। मैंने मशीन के साथ ही सिलाई कर लिए थे। इसका पौचा जो है ऊपर रख के हमने फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देना है इस तरह सीधे तरीके से। सबसे पहले हम इसके साथ हम सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर ये देखें मैं आपको फ्रिल पर सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले जो मैं सिलाई लगाने लगी हूँ, नीचे जो हमने एक्स्ट्रा पीस लिया था 2.5 इंचेस का, हम उसके साथ सिलाई करेंगे। ये हमने उल्टा रख के सिलाई कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसे सीधी साइड पे फोल्ड करना है इस कपड़े को। हम इस तरह करके ये देखें इस तरह करके फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है। बहुत इजी से आराम से बराबर की सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे प्रेस कर लें, इससे ईजी हो जाएगा। पहले प्रेस कर लें और उसके बाद फिर सिलाई लगा लें, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा ली थी। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी लुक बन गई है। अब हमने ट्राउज़र का पौचा पकड़ के उसके साथ इस पीस को अटैच कर देना है, उसकी भी बैक साइड और इसकी भी बैक साइड, क्योंकि ये बैक पीछे जाएगा। ये देखें इस तरह रख के मैंने इसको सिलाई कर देना है। सिलाई लगाकर मैंने इसको सीधा कर लिया, कुछ ऐसी लुक बन गई है। अब हम इसके साथ जो फ्लावर्स हैं एम्ब्रॉयडरी जो हम लेस से निकाले थे हम वो अटैच करते हैं। ग्लू स्टिक लगा के या पिन के साथ इसे अटैच कर लें सेंटर में फ्लावर को, उसके बाद इसमें सिलाई कर लें। मैंने भी इसे सिलाई कर लिया था। और अब हम फ्रिल लगाएंगे, नीचे जो फ्रिल है वो इस तरह सीधी रख के हमने सिलाई करनी है। लेकिन इससे पहले हमने जो समोसियाँ बनाई थी वो जो ये हैं हमने ये अटैच करनी है। 1-1 इंचेस के फासले पे हमने इसको अटैच करना है। ये देखें इस तरह, आप चाहें तो यानी कि पहले समोसियाँ अटैच कर लें उसके बाद, लेकिन इतनी सिलाइयाँ बुरी लगेंगी इसलिए आप इनको इसी तरह पिनअप कर लें जैसे कि मैंने पिनअप किया है 1-1 इंचेस के फासले पर। और इनको अब मैंने सिलाई लगा दी है, मैं फ्लावर्स अटैच कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देख ले मैंने फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं और वो भी सिलाई लगा लिया है। पिन खोलती गई सिलाई लगाती गई, बहुत अच्छी लुक आ गई है इसकी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें ये ट्राउज़र को इस तरह फाइनल सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत यूनिक सा डिफरेंट सा लग रहा है, सोबर सा लग रहा है। लेकिन आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में मुख्तलिफ चीज़ों से। ये देखिए पीस पड़े थे, इससे मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स निकाले और कलर के फ्लावर्स साथ अटैच थे वो मैंने रख लिए, किसी और डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाते हैं। आप भी इस तरह के आइडियाज़ लगाएं। शमोसले का छोटा सा पीस पड़ा था, नेट का भी पीस पड़ा था। आप छोटे छोटे पीस होते हैं उनको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साथ में कोई जोड़ भी लगाना पड़ता तो आप सफाई से जोड़ लगाएं कि आप नज़र ही ना आए। बैक साइड पे आ जाए तो कोई नज़र नहीं आता, खैर है इसका, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड सारी एम्ब्रॉयडर्ड कमीज़ थी जो इसके साथ ये डिज़ाइनिंग की गई है, और इस पर टी पिंक कलर का डी हुई हुई थी जिससे बहुत अच्छी लुक आ गई है।
उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।